35 वर्ष हो गया है, जिस तरीके से सड़कें, जिस तरीके से नालियां गंदी पड़ी टूटी पड़ी है, लोग अब जान गए हैं कि अब झूठे वादे नहीं है। तो आप जानते हो किस पे उतर आए हैं कि अब की लास्ट हमारी इज्जत ही बचा दियो। अरे चुनाव लड़ रहा है तो इज्जत ही बचा हुआ है, इज्जत के लिए चुनाव लड़ रहा है, सेवा करने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, इज्जत के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता। इज्जत के लिए लड़ेगा तो घर में बैठो। इसलिए मैं आप सभी सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, जिनके रिश्तेदार नातेदार जो हमारे चाहने वाले हैं, लगातार मौनावा पुरवा में कैंप कर रहे हैं और लगातार अपने परिवार के लोगों को समझा रहे हैं। लोगों की हवाएं उड़ी है, नींदें उड़ी है, लोगों के पास जाकर कहते हैं नौछा डालकर पैर में, पैर छुआने वाले लोग पैर छू रहे। देखिए क्या ताकत है जनता की। अपने आप को बताते हैं कि हम राजा महाराजा हैं, चेयरमैन हैं, चेयरमैन सबसे बड़ा हो, हमारा सबको पांव छुओ। लेकिन हमें लगता है कि सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता होती है, जनता से बढ़कर कोई नहीं होता है। जनता आपकी बदलाव और परिवर्तन करने का काम करेगी। अभी तो हमको बताया गया है कि कल से राज माता भी उतर आई है, प्रचार करने गई है। वो कौन सा महेश्वति महल की राज माता शिवगामी देवी उतर आई है, हाथ पैर जोड़ रही है कि मेरा बेटा 35 साल यहाँ का चेयरमैन रहा है, अब इसको आजीवन घोषित करने का काम करो और लूट घसूट भ्रष्टाचार और ईटा पत्थरा सब खा जाए, ऐसा आशीर्वाद मांगने के लिए। आप नहीं सुनने वाली जनता, 35 साल समय दिया है यहाँ पे। 35 साल में बच्चा पैदा होता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं बड़े बड़े। इसलिए अब की परिवर्तन की लहर है। अब की बहुत डरा रहे थे, कोई तो यो, कोई तो वो, तो फलाने कोई ना कोई मकर जाल लगा दे, अब की मकर जाल में फंसेगा खुदे से। इसलिए अभी परेशान है। इसलिए आप सब लोग मेरे ऊपर विश्वास करो, अगर कोई भी आपको धमकाने या भड़काने का काम करता है तो उसको भी याद रखना चाहिए कि ये योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत कर ही काम करती है। यहाँ लाइन आर्डर कोई हाथ में नहीं ले सकता। तमाम मुस्लिम समाज लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, तमाम लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भड़केगा। अब की मन बना लिया है कि विवेक सेठ जी को अपना सेवक बनाना है। मुझे पता है कि विवेक सेठ इतने बड़े आदमी, इनको जरूरत नहीं चेयरमैनी वेयरमैनी की। इनके पास बाप दादे संपत्ति छोड़ गए हैं कि किराए पे बैठ कर खाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि इनका परिवार हमेशा इस मौरावा नगर पंचायत या इस एरिया क्षेत्र और मौरावा में तमाम लोगों का भला किया है। तमाम स्कूल के पीएम पी के सब इन्हीं के परिवार का खोला हुआ है। जब सरकारें नहीं चलती थी तब इनको इन्होंने अपना जमीन जगह दी, अभी अस्पताल के लिए जमीन दी, अभी फायर स्टेशन के लिए जमीन दी, अभी ये पूरी मौरावा के जो बस्ती कॉलोनी बनाने के लिए भी जमीन दे रहे हैं। और जिनके घर बेनीगंज या जहां भी बने हैं इनकी जमीन में, वो भी वो जमीन उनके नाम लिखने के लिए तैयार है। अगर आप सब लोग इसको बना दो, कॉलोनी रमेश का, रमेश का कॉलोनी सुरेश का, ऐसे बेच बेच कॉलोनी रुपया लूट लूट खाएंगे, सब इन्हीं लोगों के लोग करते हैं। अब की इनको पता चलेगा, 4 साल विधायक अभी हम हैं और अभी सत्ता में है, और भ्रष्टाचारी या तो जेल में होंगे और या तो चुपचाप कंठी लगा के घर में बैठ जाएंगे, ये वादा करते हैं। मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि आज लास्ट समय, अब प्रचार बंद हो गया, अब शिकार शुरू होगा। इसलिए आप सब लोग रात, 2 दिन रात है, आज और कल की रात बिल्कुल घरों में घुस घुस के, और मैंने लगा भी दिए हैं, समय मेरे आदमी घूम रहे हैं रात रात दिन दिन तक, सब ताके हैं,
कि अब देखित बिलौटा कहकी दुधारी खाई, अब की दुधारी में करंट लगा दी दवा, जैसे बिलौटा दवा नहीं वैसे बाहर फेंक दे। तो इसलिए आज सब लोग निश्चिंत होकर लग जाइए और परसों सवेरे 7 बजे से सबसे पहले वोट अपनी डलवा लीजिए। वोट पड़ जाएगी सबसे पहले तो जीत सुनिश्चित है। मोहल्ले में जो लोग लिस्ट जो तैयार कर रहे हैं उनकी लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख के बाद ऐसा तो है नहीं कि मौरावा छोड़ के भाग गई है। जो धमकावे वाले लोग हैं, चुनाव हमारा था, हमारे लोगों को धमका रहे थे। हमने बताया था करना से पहले कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाओ नहीं तो अभी 10 तारीख के बाद हम ही जीता। और फिर बता रहे हैं कि अब की 11 तारीख हम ही जीतब, सेठे जी जीती है। समय का पहिया, विकास का पहिया और चक्र परिवर्तन का पहिया चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा और रफ्तार पकड़ेगा। बहुत बहुत।